अभी बात सबने बहुत सी अच्छी बातें की सेंट्रल स्कूल के हवाले से, आपकी तबीयत के हवाले से, तो अब मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि आज तो मैसेज बच्चों के लिए आज के प्रोग्राम के हवाले से और आज के दिन के हवाले से नसीहत और खुदा के कलाम से। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, मैंने कुछ दोस्तों के साथ लाहौर के लिए सफ़र करना है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, बच्चों के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल बेमज़ा है। अब थोड़ी देर के लिए हम सफ़र करें जो बड़े यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये बच्चे ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? कुछ भी। मैंने कई ये ख़ानदानों को जिनके जिनको खुदा ने बच्चे नहीं दिए, और खुदा का अपना एक प्रोग्राम है, मैंने उनको रोते दुआएं करते हुए देखा है। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कि खुदा ने आदम और हव्वा को जब पैदा किया तो फिर उनको ये बरकत दी। क्या बरकत दी थी, कोई बता सकते हैं आपके से? क्या पढ़ो में से पढ़ो और इसका मतलब क्या था कि तुम अफसाइश हो तुम्हारी, मैं तुम्हें बच्चे अता करूंगा। सो ये वादा खुदा की तरफ से है जो बच्चों की सूरत में खुदा पैदा करता है, खुदा अता करता है हम सबको। इसका मतलब ये है कि बच्चे बहुत अहम हैं हमारी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर मसीही ज़िंदगी में बड़े अहम हैं, क्योंकि खुदा बच्चों से प्यार, खुदा क्या करता है बच्चों आपसे, खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरह से बढ़ते जैसे। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह बड़ों को पैगाम दे रहे थे तो बच्चों को शागिर्दों ने उनके पास आने से मना किया, लेकिन यीशु ने कहा कि इनको मेरे पास आने, और फिर उन्होंने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी तो ही है। तो आप हमें, आप बच्चे हैं लेकिन खुदावंद ने कहा कि हमें बड़ों को बच्चों जैसा बनना है ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। सो आप देखें कि बच्चे बहुत अहम हैं खुदा के नज़दीक। सो अपने आप को कमज़ोर तसव्वुर ना करें, आप बड़े अहम हैं, एंड वी ऑल लव यू। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं बड़े, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये सन्डे स्कूल तरक्की करें, आपके टीचर्स आप और सिखाएँ, और आप खुदा के इल्म में भी बढ़ते चले जाएँ। थैंक यू वेरी मच। ये बात छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी है कि संडे स्कूल में ना सिर्फ बच्चों को इल्म दिया जाता है, मसली इल्म दिया जाता है, बल्कि संडे स्कूल में जो है वो तरबियत लिखी जाती है, क्योंकि संडे स्कूल का जो मकसद है वो है तालीम और तरबियत, तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत। तो हम शुक्रगुजार हैं एक ख़ानदान के लिए, भाई शकील के लिए और उनकी मिसेस जमीला शकील के लिए, कि उनके बच्चे हमारे संडे स्कूल में आया करते थे। यहाँ वो संडे स्कूल के मेंबर थे उनके बच्चे, और आज खुदावंद ने उनको ब्लेस किया है, वो अमेरिका में है। तो उनकी एक बेटी मायला की शादी भी हो चुकी है, तो खुदावंद ने शादी के बाद उस बेटी को ब्लेस किया है खुदा ने, और आज उसने अपनी शुक्रगुजारी हमारे संडे स्कूल के लिए भेजी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा संडे स्कूल जो है जिसमें मैंने तरीम तरबियत हासिल की थी आज मैं उसको याद रखूँ, और उन्होंने वहाँ से हदिया भेजा है, और हम उनकी जो शुक्रगुजारी है उसके लिए भी दुआ करेंगे, उस ख़ानदान के लिए भी, उस बेटी के लिए भी, और आज के सारे प्रोग्राम के लिए, खाने के लिए भी, और टीचर्स के लिए भी, और तमाम मेहमानों के लिए भी। तो मैं जनाब एल्डर विल्बर जान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारी इन मुनाजातों को खुदावंद के हुज़ूर में रखें। हम अपनी आँखें बंद करें बेटो,
आसमानी बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें तरह तरह की नेमतें अता करता है और बिलखसूस खुदावंद औलाद जैसी नेमत अता करता है इन बच्चों के लिए। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अता किए हैं और खुदावंद खुदा बिलखसूस उसातिज़ा के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो इनकी तालीम और तरबियत करते हैं और खुदावंद इन बच्चों को ईमान में मजबूत बनने का खुदावंद उनकी रहनुमाई करते हैं तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद इन बच्चों के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं कि ये अभी से अपने ईमान में मजबूत हों और खुदावंद जब ये बड़े हों तो उस ईमान को न सिर्फ बड़े होकर बल्कि अभी से ही ये दूसरों के साथ शेयर करने वाले हों और बहुत सी उन्हें खुदावंद इनकी इस गवाही के वसीला से इस कलाम की शेयरिंग के वसीला से खुदावंद तेरे पास जीती जा सके। खुदावंद उस बच्चे के लिए तेरे शुक्रगुजार है जिसने शुक्रगुजारी के रूह में हदिये को पेश किया और उसने संडे स्कूल को याद रखा है। खुदावंद उसको और ज़्यादा बड़ी बरकत बख्श दे, उसके ख़ानदान को बड़ी बरकत बख्श दे और खुदावंद सचमुच आज का ये सारा प्रोग्राम न सिर्फ उस प्यारे ख़ानदान के लिए बल्कि हम सब के लिए तमाम उसातिज़ा के लिए बच्चों के लिए हमारी कलीसिया के लिए हमारे पासबान और उनके ख़ानदान के लिए तमाम सेशन के लिए और बिलखसूस खुदावंद एल्डर लॉयल साहब और उनके ख़ानदान के लिए बरकत का वसीला बने। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलमाते बरकात पसंद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा रहम की उसके पाक पर शाकर दुनिया भर के ईमानदारों के साथ आप सबके साथ इन तमाम बच्चों के साथ इनकी टीचर्स के साथ आपसे हमेशा तक इस तरह से होगी।